छतरपुर जिले के अलीपुरा थाना अंतर्गत हरिजन बस्ती में 2 माह पूर्व खोली गई शराब दुकान से वहां पर निवासरत लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसी परेशानी को लेकर जन सुनवाई कार्यालय छतरपुर पहुंचकर महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मामले में भीम आर्मी संभागीय अध्यक्ष जितेंद्र भारतीय ने बताया कि छतरपुर जिले के अलीपुरा ग्राम पंचायत की हरिजन बस्ती में शराब की दुकान खुलने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसको लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और शराब दुकान हटाने की मांग की गई है। वहीं पूरे मामले में आबकारी अधिकारी भीमराव वैद्य ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 सप्ताह में उक्त प्रकरण की जाँच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जो अलीपुरा ग्राम पंचायत में नौगांव तहसील के अंतर्गत जो शराब की दुकान अनुसूचित जाति की बस्ती में लगा दी गई है, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं पे एक सार्वजनिक हैंडपंप है, जिससे माताएं बहनें पानी भरने जाती हैं, उनको आए दिन दिक्कत हो रही है। शराबी तत्वों के द्वारा छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है। तो शराब की दुकान हटवाने के लिए आज जनसुनवाई महिलाएं आई हुई हैं और आज ज्ञापन दिया गया है। आबकारी महोदय से बात हुई है, डीएम साहब है नहीं है, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 1-2 दिन में वो जांच करने पहुंचेंगे और जांच के बाद उस ठेके को वहां से हटा दिया जाएगा। दारू का ठेका खुला है वहां पर सर, उससे परेशान है हम। नल पे पानी भी भरते हैं तो गलत नजरों से देखते ही है और हम लोग वहाँ से चाहते हैं कि वो ठेका हटा दिया जाए। ये अभी खुला है कि पहले से खुला? 2 महीने पहले खुल गया। नौगांव में भी किया तो वहाँ पर कोई सुनाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग छतरपुर आए हैं कि अब कुछ सुनाई हो। हर जगह कंप्लेंट है, वहाँ से हटना चाहिए बस। कितने लोग आए हैं आज? हम लोग 50 आदमी परेशानी से आए हैं। महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं उसमें, और हम चाहते हैं हम लोग खेतों पे चले जाते तो जवान लड़की बच्चे हैं हमारे, उन पे बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ से हटना चाहिए। अभी शिकायत जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे संज्ञान में आई, मैंने उसको देखा है और उसको मैं एक इंस्पेक्टर से मैंने बात भी की, सब इंस्पेक्टर से संबंधित एक लेटर जारी करके हम जांच करवा लेते हैं। हालांकि ये है कि जो नॉर्म्स हमारे आबकारी अधिनियम और राजपत्र में जितने नियम बने हुए हैं, अगर उनके अनुसार संचालित है तो फिर समझाइश दी जाएगी, और अगर गलत जगह है या फिर उसको हटाना है तो उसके ऊपर हमको जो है हफ्ते भर का टाइम चाहिए, हमको हफ्ते भर में उसको शिफ्ट करा देंगे अगर वो गलत पाई जाती है तो।